14th मई वाला व्लॉग एडिट हो चुका है और ये मैं अपडेट अभी करने वाला हूँ। इसके बाद आई विल गो टू स्लीप और सुबह उठ के आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, पहले तो मेरी तरफ से वापस गुड मॉर्निंग फिर से। तो कल रात को मैं जब एडिट किया, इसके बाद जब मैं व्लॉग अपलोड करने जा रहा था तभी वाईफाई हो गया डाउन। सो इसके बाद काफ़ी देर वेट किया, वेट करने के बाद जब नेट और आ नहीं रहा था आई थॉट टू स्लिप बीच मिडनाइट में ही शायद ठीक हो गया था, 2:30 बजे ऐसे टाइम को वाईफाई शायद ठीक हो गया था। तो अभी सुबह उठ के जब देखा तो यस, वाईफाई इज़ गुड, बट आज रिचार्ज करना पड़ेगा। जाने से पहले मैं अभी फिर से कंप्यूटर खोला और अभी ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ। चाय पीते पीते दिन का शुरुआत। लेकिन अपलोड करने से पहले एक काम करके आना पड़ेगा, हमारा पार्लर को खोलना पड़ेगा। इतना साल हो गया अभी तक चाबी का नंबर मेरे को याद नहीं रहता। आ गया। तो मैं दुकान खोल के आ चुका हूँ घर, दुकान खोल के, और अभी फिर से बैठ जाता हूँ, व्लॉग अपलोड करना है जल्दी। तो ये हो गया पब्लिक, ये हो गया पब्लिश। चलो 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 अपलोड हो जाओ। फाइनली ये वाला व्लॉग अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। व्लॉग कर दिया अपलोड, मतलब 14th मई वाला, ईद के दिन वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रसभरी के लिए सरप्राइज़ रेडी हो रहा है और आप लोगों के लिए भी गिव अवे वाला सरप्राइज़ है, बहुत जल्द आ रहा है गिव अवे, और मेरा नया गाना भी लॉन्च होने वाला है। तो बहुत कुछ है उस वाले व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो आई बटन में दिया देख लो। और ये मेरा सेकेंड डे है डेली व्लॉग्स के बारे में सोचने के बाद का सेकेंड डे। आई डोंट नो कितना दिन कंटिन्यू कर पाऊँगा, बट आई होप कि कंटिन्यू कर पाऊँगा, लेकिन तभी कर पाऊँगा जब आप लोग सपोर्ट करें। अभी का जो प्लान्स है वो क्लासेस का है, तो डांस क्लास में जाना तो है, लेकिन आप लोगों में से भी कोई अगर डांस में इंटरेस्ट रखते हो, बाहर हो, मुझसे डांस कोचिंग लेना चाहते हो, मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो डांस का, तो आप लोग ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉमेंट में बताइए। स्टूडियो के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग जाके देखो और बताना मुझे अगर किसी को चाहिए ट्रेनिंग तो। तो गाइस मैं बोल नहीं पाया, सडनली मैं मुझे क्लास आना पड़ा। ये क्यूटी का नाम है आयान, इसका नाम है रिजू और इसका नाम है सुप्रीत। नहीं यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे ये सोच रहा था कि मैं अपने आप बात कर रहा हूँ। अभी मैं क्लास कराता हूँ, इसके बाद मिलते हैं आप लोग। तो अभी मैडम भी आ चुकी है। तो अभी क्लास भी ख़त्म होने का टाइम हो चुका है, तो इसके बाद एक और बैच है, सीनियर बैच, इन लोगों का अभी छोड़ते हैं एक दो बार और फाइनल करा के। तो ये हमारा मैडम अभी 14th मई वाला ब्लॉग देख रही है। लौट गया अभी क्लास ख़त्म करने के बाद, एक बैच ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं कुछ देर व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं और चिरश्री तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस कर रहे थे और
सच्ची में द जो कंडीशन है उस कंडीशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और डिस्कस हम लोग ये कर रहे थे कि कैसे चलेंगे जो सिचुएशन है अभी देश का। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कैसे चलेगा। मींस सबके लाइफ में कुछ ईएमआई ड्यू वगैरह क्रेडिट वगैरह लोन्स वगैरह रहता है और ये चल जाता है कि जब रेगुलरली इनकम रहता है अर्निंग्स रहता है। बट अभी का जो सिचुएशन है जिन लोगों के पास पहले से है मैक्सिमम उन लोगों का भी अभी ख़त्म होने जा रहा है और जिन लोगों के पास और भी ज़्यादा है उसका बात तो पकड़ ही नहीं रहा हूँ। लेकिन हम लोग जैसा जिनका कोई फिक्स्ड एक इनकम नहीं है, स्पेशली मेरा जो क्लास से अर्निंग्स आता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह करवा के अर्निंग्स आता है, मैक्सिमम चीज़ बंद हो चुका है। अभी पता नहीं कि कैसे चलना है और कैसे क्या करना है, अब सब ऊपर वाले के भरोसे। बिकॉज हाँ, ऑनलाइन अभी यूट्यूब तो कर रहा हूँ, यूट्यूब से अर्निंग अभी तक शुरू नहीं हुआ, या आप लोग से आप लोग के सपोर्ट के बाद ही ये एक जगह पे जाएगा और जाएगा भरोसा है, लेकिन इतना जल्दी तो नहीं जाएगा। मैं तो कुछ प्रमोट वगैरह नहीं करता हूँ, प्रमोशन करने से उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो जितना भी अभी नॉर्मली चलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अभी बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो यही हम लोग सब कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे चलेंगे। बहुत ही आसानी से अनाउंस कर देते हैं कि इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगा, ये चीज़ बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ इतना से इतना बजे तक खुला रहेगा। तो समझ रहे हो ना, ईएमआई लोन्स ये भी बंद कर सक बंद मतलब स्टॉप एटलीस्ट बंद करके रख सकते हैं ना कुछ महीने तक, जब तक ऐसा लॉकडाउन वगैरह ऐसा पेंडेमिक चल रहा है। नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा इन लोगों को, अब लोग कहाँ से दे उसका कोई देख के फ़ायदा नहीं है। तो यही अभी चल रहा है, सिर्फ मेरा कंडीशन ऐसा है ये नहीं बोल रहा हूँ, पूरा इंडिया का कंडीशन ऐसा चल रहा है। और क्यों चल रहा है ये आप सबको पता ही है, मुझे एक्स्ट्रा करके कुछ बोलना नहीं है। फिर भी सेफ़ रहो, जितना भी सेफ़ रह सकते हो रहो, जब तक ज़िंदा हो सेफ़ रहो। ज़िंदा कब तक इंसान ठीक से रहेगा वही कभी भरोसा नहीं है। जितना टाइम तक ज़िंदा है हंसते रहो, चाहे दिमाग 10 kg का भारी भरकम वाला टेंशन क्यों ना आ जाए, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, टेंशन मत लो। मैं भी अभी टेंशन लेना बंद करूँगा, ईएमआई लोन्स वगैरह जो भी है जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये बोलने में भी डर लगता है, फिर भी जो होगा देखा जाएगा। और फिलहाल मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, इसके बाद निकलेंगे, थोड़ा कुछ काम है, इसके बाद काम ख़त्म करके फिर से 6 बजे से कर्फ्यू होने वाला है। सो बिफोर दैट वी हैव टू रीच आवर होम। ठीक है, मिलते हैं, और आज हो सके तो आप लोग को थोड़ा सा झलक सुनाऊंगा रजबरी का बर्थडे सॉन्ग का, 18 से पहले आ जाएगा इतना श्योर है, ऑलरेडी रेडी है, निहार भाई ने लिख चुका है, इसका सुर भी बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन वगैरह हम लोग अभी कर रहे हैं, करने के बाद ये रिलीज़ कर देंगे। ढेर सारा प्यार देना उस सॉन्ग को, आई होप कि वो गौरव सर तक और उनके फैमिली तक बहुत जल्द पहुँच जाए, और रसभरी अभी काफ़ी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, उनको भी अच्छा लगे ये गाना। मैं नहाने जाता हूँ अभी, सो मैंने नहा लिया और अभी ड्रेस अप भी कर लिया, थोड़ा अंधेरा आ रहा है इसके लिए सॉरी, बिकॉज आसमान बहुत ही काला हो चुका है बिकॉज बारिश आने वाला लगता है। मैं अभी लंच करूँगा और इसके बाद निकल पड़ेंगे, खाना कंप्लीट, तो अभी मानना पड़ेगा भाई साहब पूरा रोड को बंद करके ये अपना गाड़ी घुमा रहा है। मेरे पीछे पूरा दुनिया भर का जैम लगा हुआ था और ये बंदा आधा घंटा लगा के गाड़ी घुमा रहा है। कुछ मिला है इनको गेट पे अटका हुआ, क्या वेदर बना रहा है, पूरा काला हो गया उस तरफ। ये है हमारा प्रोशन का घर, वहां पे बारिश नहीं है, क्लीन स्काई, यहाँ पे बारिश है हमारे ऊपर। घर आ गया हूँ मैं, मम्मी पापा बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, चाय ले लो चाय, कुछ देर पहले बस चाय खत्म किया और अभी फिर से स्नैकिंग का एक वो आ रहा है सबके अंदर से। तो मम्मी यहाँ पे कॉफी बना रही है और पापा ने मूरी ट्राई किया है, आप लोग को मूरी पता है कि नहीं पता नहीं, जो लोग बंगाली आप लोग को पता होगा, शायद हिंदी में उसको मुर्रा बोलते हैं। मूड अभी काफी सही हो गया है, सोच रहा था टेंशन करके क्या मिलेगा, जो होगा होगा देखा जाएगा। सो तो हम लोगों ने स्नैकिंग कर लिया है, कॉफ़ी और मुरी मुर्रा मतलब हिंदी में मुर्रा बोलते हैं। अभी मैं आप सबको रजबरी का बर्थडे सॉन्ग का स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सुनाता हूँ।
एक सेकंड दो मेरे को, कीबोर्ड का कनेक्शन करता हूँ पहले। हाँ तो ये गाना बन रहा है, मतलब निहार भाई ने लिखा और सुर दिया है और मैं ये गाने वाला हूँ, अपलोड होगा मेरे चैनल पे। तू मेरी सोन चिड़िया, तू हम सबकी नन्ही सी गुड़िया, तू मेरी सोन चिड़िया, तू हम सबकी नन्ही सी गुड़िया। इससे आगे नहीं सुनाऊंगा, इससे आगे आप लोग सुन लेना रश्मि के बर्थडे के दिन या फिर उसके पहले वाला दिन, मतलब 17th को शायद रिलीज कर दूंगा या फिर 18th को ही रिलीज करूंगा। आप लोग ज़रूर सुनना होगा ना। आज का व्लॉग मैं इतना तक ही रखना चाहता हूँ, इससे आगे अभी और नहीं बना सकता। मुझे पता है इस व्लॉग में ज़्यादा कंटेंट कुछ था नहीं, क्या करें आज मूड आप सबको पता ही है थोड़ा बिगड़ा हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे पता है ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं था, फिर भी लाइक दबा दो और शेयर करो, अगर किसी को रिकमेंड करोगे मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और कमेंट करो आपका मन का कुछ भी बोलना है तो। मुस्कुराते रहो, बी ओरिजिनल, बी यू। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर अब तक नहीं किया। इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलना। टाटा।